दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एंटरटेन वेव्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं मस्त एंटरटेनिंग और चैलेंजिंग वीडियोस। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में हम कुछ मज़ेदार करने वाले हैं, तो आज के इस व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक अमेजिंग चीज़ आपको होने वाला है। अलग क्रेजी होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है, फन होने वाला है। एक आज हुआ ये कि हाँ कि कहाँ जाने वाले हम, आपने लास्ट वीडियो में देखा ना बाहर गए थे। लास्ट वीडियो में हमारे पिछले व्लॉग में क्या देखा तुमने? बिल्कुल सेक्टर 9 के हॉन्टिंग ट्रीज के पास हम गए थे, है ना? किसी और उस जगह पे जा रहे हैं ऐसा नहीं। नहीं नहीं नहीं, आज के देखो हम जा रहे हैं, वही बता। अभी हम जा रहे हैं लाल किला, और लाल किले में किस लिए जा रहे हैं ये तो वहीं जाकर आपको पता लगेगा। तो व्लॉग में हमारे बने रहिए, ठीक है? लाल किले में थोड़ा क्रेजी होने वाला, वीडियो में बने रहो, हमारे व्लॉग को देखते रहो, शेयर करते रहो, और आपको पता लग जाएगा कि क्या आज हम करने वाले हैं और क्या होने वाला है, ना? खूब मजेदार होने वाला है। आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है? सब यही बता दोगे। हाँ, चलते हैं ना, तो देखते रहो ना। गोलू भी हमारे साथ है, लेकिन वो शर्म के बारे आज शाही शाही हो रहा है, थोड़ा पानी पानी हो रहा है वो, है ना? मैं पानी पानी हो गई उसका वो वाला हिसाब हो रहा है। मानसी भी हमारे साथ इस व्लॉग में है, आज होली के व्लॉग के बाद आज मानसी हमारे साथ ज्वाइन कर रही है। तो अभी हम सारे जा रहे हैं, तो व्लॉग को यहाँ रोकते हैं, मेट्रो स्टेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो हम मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं द्वारका, और मानसी ये भी है ना, तो मेट्रो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, वो मेट्रो हो रही, अब जाएंगे लाल किला। मैं शहीद होने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम लाल किला मेट्रो स्टेशन मेट्रो से डिबोर्ड कर चुके हैं, ठीक है? ये थे हम वायलेट लाइन पे, और आ चुका हूं। हाँ ये भी आ चुके हैं, अभी हम ऊपर जा रहे हैं, और गोलू और शिवम वो जा रहे हैं आगे आगे, गोलू और मानसी, गोलू और मानसी, शिवम ये रहा मेरे साथ। तो अभी हम एग्जिट करेंगे इधर से। दोस्तों हम लाल किला बिल्कुल एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है? ये लाल किला है, और ये बिल्कुल पूरा लाल किला देख सकते हो आप, है ना? कितनी बढ़िया लाइटिंग हो रखी है, और ये गेट नंबर 4। तो दोस्तों जब भी कभी आप मेट्रो से लाल किला आना हो तो आपको गेट नंबर 4 से एग्जिट करना है। आप एकदम लाल किले के गेट पे क्या करोगे, एग्जिट करोगे एकदम, है ना? देखो सकल पे मत जाना, है ना? आप चले जाना, सकल आप पे चले जाना, ठीक है? तो दोस्तों हम ये लाल किले वाले रोड पे खड़े हुए हैं, है ना? अब हम लाल किले किस लिए आए हैं ये बताते हैं, और बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्यों आए हैं हम यहाँ। दिखा दें क्या? दिखा दो। तो दिखाते हैं, है ना? ये देखो दोस्तों, ये देखो उधर, ये देखो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना? हट जा सिवम, एक तरफ वो पहले, वो हल्की हल्की लाइटिंग दिख रही है ना? अभी रुको मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ तुम्हें कि हम कहाँ पे आए हैं, और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? ये देखिए दोस्तों, है ना मजेदार चीज। तो लाल किले पे हैं हम, इसी के लिए आए हैं। और ये क्या है, क्यों ये झूले लगे हैं, क्यों इतनी बढ़िया लाइटिंग हो रखी है, ये आप देख सकते हो इधर लाल किला, है ना? ये पूरे लाल किले की लाइटिंग हो रखी है इधर, और ये पूरा। दोस्तों हम जैसे कि तो पहुंच चुके हैं गेट के पास, बिल्कुल यार मास्क उतार देते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, है ना? डंडे ही तो पड़ेंगे। तो ये देखो बिल्कुल गेट पे हम आ चुके हैं। ये हम पहुंच चुके हैं, है ना? ये मेरा बड़ा भाई, ये मेरे मामा का बेटा, ठीक है दोस्तों? तो पहुंच चुके हैं, अब अंदर क्या क्या काम करने वाले हैं वो तुम्हें चल के बताते हैं अंदर, और खूब मौज मस्ती करने वाले हैं, तुम जरूर मिस करोगे और तुम्हें पसंद आएगा, है ना? तो चलते हैं अंदर।
कौन से झूले में झूलना है सबसे पहले? यार जिसमें भी झूलना जल्दी झूलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ पहले इस वाले बोट वाले में झूलते हैं ना, जिसको हम बोलते थे डायनासोर झूला। कुलदीप तू तो सब में झूलता रहता होगा, झूलता है तेज बोल थोड़ा। इसकी मुझे लग रहा झूले देख देख के इसकी आवाज बैठ चुकी है एकदम, है ना? बता रहे क्या? अच्छा ये बता, देख देख के डर खत्म हुआ है या झूल झूल के डर खत्म हुआ है? हल्का कम हुआ है भाई, हल्का कम हुआ है, मतलब डर लगता है इसको भाई। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, फटी में तो सबकी याद है ना, तो फटी में तो याद आ ही जाती है, फटती सबकी है, चाहे थोड़ी फटे लेकिन फटती सबकी है ना। तो करते हैं दोस्तों अपना पहला झूला कवर करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसा रहने वाला है हमारा एक्सपीरियंस। भैया टिकट चेक करते हुए घूमेंगे, है ना? तो इधर चलते हैं, ये रास्ता बना रखा है यार, मजा बहुत आता है, मजा बहुत आता है इन सबको, ये खुफिया रास्ते देख के, है ना? तो चलते हैं यार, ये लोहे की सीढ़िया। यहाँ पे देखो लाइन लगी हुई है ना, और ये देखिए, ओ कितनी ऊपर जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ये निकालना हमें मिलेंगे भाई। ऊपर देखो, ये देखिए बच्चों का मुंह सूख रहा है, अभी तो मुंह तो हमारा भी सूखेगा। बस थोड़ा थोड़ा कर लियो, तेरे से कटवाने के लिए तैयार है, उधर उसको ले लेना ऐसे करके पूरा व्यू। ये लो, मेरे पास आ जाओ, वो दिन में बिना काम मत करिए। हां ओए, नहीं नहीं क्या हो गया, कह रहा हूं वो मीटिंग में आएगी, फोन कर रहा है, नहीं कर रहेगा। अरे रिएक्शन दे देना, फिर उसके बाद फोन रखूंगा मैं। आराम आराम से, इसने तो अभी तेज कर दिया। अभी देखना वो ऊपर तक गया। अरे शिवम पीछे तो देख एक बार, शिवम अरे पीछे तो देख लो एक बार, आप चिल्लाओ, आप चिल्लाओ। दोस्तों फट चुकी है, फट चुकी है पूरी, शिवम की हालत यार बहुत हाइट पे जा रहा था, बिल्कुल नीचे जाएंगे अब तो। इसकी हालत देखो मेरे मामा के लड़के की, देखो कैसे भाग रहा है, छिप छिप के भाग रहा है। इसकी फट चुकी है पूरी तरह से, है ना? मतलब पूरा डर लग रहा है इसे, एक्सप्रेशन देखो कैसे कर रहा है ये। और इन बच्चों की हालत तो पूछ लेते हैं कि ये कैसे हो रहे हैं। ये देखो शिवम अभी तो एक ही झूला है ना, पूरी तरह से खत्म है। तो दोस्तों आप बताते हैं कि हम क्या है, कहाँ आए हैं लाल किले में, है ना? तो दोस्तों हमारे पास है इस पूरे मेले के पास, हम चाहे कोई भी मेला झूल सकते हैं, कोई भी झूला झूल सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये अब मैं आपको इस मेले के बारे में बताता हूँ। ये जो मेला है ना, ईद के बाद लगता है, हर साल लगता है ईद के बाद, पिछले 2-3 बार से तो लॉकडाउन था तो ये मेला नहीं लग पाया। इसको बोलते हैं उर्स का मेला, उर्स का मेला, ये लगभग 1 महीने तक चलता है, ईद के बाद लगता है और लगभग इंडिया में बहुत जगह लगता है। तो यहाँ लाल किले पे लग रहा है, मेरे मामा का लड़का यहाँ पे है, उनका लाइटिंग का काम है इधर, अपना बिजनेस है लाइटिंग का। तो हमारे पास पासेस हैं, अनलिमिटेड पासेस, अनलिमिटेड टाइम, कोई सा भी झूला, और जिन्हें झूलने के लिए आप लोग जाते हो ना, 2-2 हज़ार के पासेस लेके वहाँ जाते हो, एडवेंचर जाते हो, ये वो फलाना ढिमका, यहाँ सब फ्री, ठीक है दोस्तों? तो हमें कमेंट करके बताना, हमने अभी ये वाली राइड कम्प्लीट की है ना, जो वो बोट वाली नाव होती है ना पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे, तो ये वाली राइड हमने कंप्लीट किया है और बहुत मजा आया। मामा के लड़के की तो हो चुकी है बिल्कुल खत्म, वो तो नहीं झूलने वाला, देखते हैं बाकी। शिवम की एनर्जी खत्म है, बाकी देखते हैं, मजा तो इसमें आने वाला है, मैरी गो राउंड के अंदर, है ना? एक ये लगा, दोस्तों 3-3 लगे हैं ये देखो, और एक बोरा वहां पर, है ना? तो आप कौन सा झूलते हैं ये देखते हैं, किसमें झूलने। तो दोस्तों हम बैठ गए, है ना, क्या बोले इसको, रोलर कोस्टर तो नहीं बोलेंगे, है ना, ऐसे गोल गोल घूमने वाला झूला है। शिवम अपना अगले वाली ट्रॉली के अंदर शिवम और मानसी बैठे हैं, उससे अगली ट्रॉली में मेरा भाई और गोलू बैठे हैं। अरे पीछे को देख लो, है ना?
तो भाई और बहनों को तो पता नहीं कौन बचाएगा। और दोस्तों इतने कमीने हैं, इन्होंने मुझे मेरी ट्रॉली में अकेला छोड़ दिया है। हमने अपनी ट्रॉली चेंज कर ली, ठीक है, तो हम अपनी दूसरी ट्रॉली में आ गए हैं। इधर हो जाओ, अकेले बैठोगे। ये गोलू मेरे साथ, शिवम कहाँ है? शिवम पीछे, ठीक है। और अब हम तैयार हैं अपनी राइड के लिए। भाई बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और देखते हैं भाई क्या होता है, मजा पूरा आ रहा है। अभी एक राइड ली है हमने, ये दूसरी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहो ना, एक दिन के लिए और एक्सटेंड हो गया है ये मेला, और आप यहाँ आ सकते हो। कल कल के लिए शायद हो रहे, मैं कंफर्म करके बता दूंगा। मजा आएगा बहुत है दोस्तों, उसमें बड़ा मजा आया हमें, ठीक है। हम मिलते हैं बाद में, हम मिलते हैं बाद में, राइड होने दो कंप्लीट। अब पहले एक दो राइड ले लेते हैं बाकी की, फिर हम आपको ना मैरी गो राउंड कराएंगे। हाँ। और मजा आएगा उसमें, और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरे को तो भाई देख के डर लग रहा है। झूले की बेइज्जती कर रहा है यार। अब जो हम आए ना ब्रेक डांस, तो अब हम ब्रेक डांस में आए हैं, अब हम यहाँ पे झूलेंगे, है ना। ब्रेक डांस करेंगे, मास्क उतार लेना, अब हम ब्रेक डांस करेंगे। गोलू क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम ब्रेक डांस के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब ब्रेक डांस करेंगे। और वो रवि, हालत देखो दोस्तों, इनकी हालत, इसकी देखो भाई की हालत देखो, मेरे भाई उल्टी कर दी भाई ने, इसकी हालत खराब हो गई है। लेकिन वो देखो मानसी की हालत, राउंड राउंड हो रहा है, पूरी दुनिया राउंड राउंड घूम रही है। शिवम हाउस दा, ये ब्रेक डांस अभी तक इसका खत्म नहीं हुआ है, इनका ब्रेक डांस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चलो दोस्तों, हमारी ये रेलगाड़ी है सुअर के मुंह जैसी, बत्तख के मुंह वाली, सुअर के मुंह नहीं बत्तख के मुंह वाली। और ये इधर रेड फोर्ट की दीवारें चमकती हुई लाल लाल पीली पीली लाइट में, और ये हमारी राइड हो चुकी है स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। गोलू ये राइड स्टार्ट हो चुकी है, ये देखो दोस्तों, मैं इनका टीओ हूँ, है ना। अरे भैया हमारे ड्राइवर हैं जो सबसे आगे बैठे हुए हैं। ये देखो, अबे यार गोलू को बोला हाथ हाथ हिला ले। भाई हमारी ट्रेन रुक चुकी है अभी, है ना। ये तो झटके दे रही है। तो अब हम अपनी ट्रेन को उसकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। तो हम रखते हैं इसको पॉकेट के अंदर फोन को। दोस्तों सुनो, अब हम जो जा रहे हैं ना इस वाले मैरी गो राउंड के अंदर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। इस व्हील वाले झूले के अंदर जाएंगे इसके, और मैं नहीं जा रहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छुट्टी दे दो, मैं नहीं जा रहा। जबरदस्ती ले जाएंगे यार, दोस्तों व्लॉग खराब कर रहा है ये। कोई बात नहीं यार, इसके लिए भाई माफी, मैं यार देखो करो यार, यार कभी नहीं झूला, आज हम चाहते, देखो इसने अंडा कभी नहीं खाया कच्चा, तो खिलाया यार, बात मानो यार। हम ले जाएंगे कंधे पे डाल के यार, देखना यार कितनी शानदार लाइटिंग है, लाइटिंग में भी पिघल जाते हैं, है ना। दोस्तों बहुत ज्यादा थक चुके हैं, थकने से ज्यादा मजा आया, झूले झूल झूल के मजा तो बहुत ज्यादा। और ये व्हील वाला झूला झूला हमने, यार ये व्हील वाले भैया ने झुलवा ही दिया जबरदस्ती, अब क्या करें। नहीं शिवम ने झूला, सबको पता है यार, बोल दो ना झूल लिया है ना, झूले तो आ जाए इस वाले में झूलेंगे। नहीं यार, तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकलते हैं, अगर आप लोगों को आना है ना तो यहाँ पे आ सकते हो, कल कल और लास्ट रहेगा, ठीक है। आज तो गया,
तो खूब मजा आया। और सबसे ज्यादा मजे के बाद हमारी सारी राइड फ्री हुई है एकदम बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग, जो कि हमने लाल किला पे जो ईद के बाद उर्स का मेला लगा हुआ था वहाँ पे हमने झूलों का आनंद लिया खूब सारा और खूब सारा फन किया। ज़्यादा फन मजा किया दोस्तों। अभी हालत ये है कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और टाइम पता क्या हो रहा है, लगभग 1 बज रहा है। 1 बजे हमने द्वारका मेट्रो स्टेशन पे एग्जिट किया है और द्वारका से अब हम अपने घर तक के लिए पैदल जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, रिक्शा हमें कोई मिला नहीं तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 8-10 मिनट की डिस्टेंस पे है, तो पैदल हम जा रहे हैं। मजा आया कि नहीं आया? और आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम गोलू और मानसी की हालत देखो, बिल्कुल थक चुके हैं पूरी तरह से, है ना। चलो दोस्तों मिलते हैं, है ना। चलो फिर, गुड नाइट। होप सो कि आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगला व्लॉग हमारा किस पे होना चाहिए ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। ठीक है दोस्तों, तो अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप भी बाय नहीं बोलना, बाय। सबकी हालत ख़राब है, थके पड़े हैं। चलो।